महावीर टेक्सटाइल मार्केट के व्यापारी से कपड़े लेने के बाद रुपए नहीं देने पर डाइंग प्रिंटिंग यूनिट के संचालक ने व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी। इसके खिलाफ महावीर टेक्सटाइल मार्केट के व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। साल 2014 में पंकज कुमार का परिचय बजरंग लाल सोमानी के साथ हुआ था। बजरंग लाल ने अपना परिचय बजरंग डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल के मालिक के तौर पर दिया और वह डाइंग और प्रिंटिंग का काम बड़े पैमाने पर करते हैं ऐसा बताया था। इसके अलावा समय पर जॉब वर्क कर भी देते। बजरंग लाल की बातों में आकर पंकज कुमार ने 22,68,000 रुपए के ग्रे कपड़े जॉब वर्क के लिए दिया था। लंबा समय बीत जाने के बाद बजरंग लाल ने कहा कि तुम्हारा कपड़ा मिल में आग लग जाने के कारण जल गया है, जिसका क्लेम कराया गया है। क्लेम के रुपए आएंगे तो मैं वापस कर दूंगा, ऐसा कहकर क्लेम के लिए उन्होंने दोबारा से बिल मांगे थे। जब पंकज भाई ने जाँच की तो पता चला कि बजरंग लाल ने क्लेम के पैसे ले लिए थे, लेकिन अभी तक पंकज कुमार को माल या रुपए कुछ भी वापस नहीं किए थे। जब पंकज ने पैसा मांगा तो बजरंगलाल ने जान से मारने की धमकी दी, जिसके बारे में पंकज कुमार ने बजरंगलाल के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। आज की खास खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।